हम पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते क्योंकि हमारे फेफड़े वायु में उपस्थित मुक्त ऑक्सीजन ले सकते हैं, परंतु पानी में घुला ऑक्सीजन नहीं। और ऐसा क्यों होता है? हम सांस लेते हैं या अपनी नाक अथवा मुख से वायु खींचते हैं। नाक से सांस लेना बेहतर होता है क्योंकि नसा गुहा या नेजल कैविटी में उपस्थित म्यूकस और बाल वायु में मौजूद गंदगी को अंदर नहीं जाने देते। फिर वायु फेरिंग्स या कंठ से होती हुई ट्रेकिया या श्वसन नली में प्रवेश करती है। इस फेरिंग्स में एक और प्रवेश द्वार होता है जो भोजन नली में खुलता है। जब भी वायु भोजन नली में चली जाती है तो हमें डकार आती है। फिर वायु श्वसन नली से होती हुई दो ब्रोंकाई में पहुंचती है। ब्रोंकाई की आगे कई महीन शाखाएं होती हैं जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। फिर वायु छोटी हवा की थैलियों या एल्वियोलाई में पहुंचती है और विसरण प्रक्रिया के दौरान वायु में उपस्थित ऑक्सीजन पतली दीवारों वाली रक्त धमनियों से रक्त में घुल जाता है। इस तरह से रक्त पानी में अवशोषित गैसों का आदान प्रदान नहीं कर सकता, इसलिए हम पानी में सांस लेने में असमर्थ हैं। हम सांस बाहर कैसे छोड़ते हैं? मध्यपट या डायफ्राम नीचे की ओर खिसककर फेफड़ों के विस्तार के लिए स्थान बनाता है, जिससे फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है। जब मध्यपट ऊपर उठता है तो फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, जिससे फेफड़ों में उपस्थित वायु शरीर से बाहर निकल जाती है, यानी हम सांस छोड़ देते हैं। ये इसके लिए उल्टे पथ से यानी ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई, श्वसन नली, फेरिंग्स, फिर नाक या मुख से होकर निकल जाती है। हम श्वसन की इस प्रक्रिया को एक मिनट में 12 से 20 बार दोहराते हैं।